Hello students, today we are going to discuss two topics, that is electric flux and electric dipole. Now why we have to study electric flux? Actually whenever we are placing any object in the electric field, यानी कि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, सो सम टाइम ड्यू टू द अरेंजमेंट और पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देर इज अ पॉसिबिलिटी अराइज दैट के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो उसकी बॉडी में से पास होगी उसमें वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ, बॉडी ले रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रख रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स आर पासिंग थ्रू इट. बट यही बॉडी को अगर मैं इस तरह से कुछ प्लेस करूँ तो आप देख सकते हो कि कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है. एंड एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वी आर नो दैट where the total number of electric field decide the value of the electric field. यानी कि electric field stronger होगी कि weaker होगी, that is decide based on the number of electric field line passing through the given body. बराबर. So how can we measure such kind of problem? यानी कि ये जो problem है different position की वजह से same body के साथ जो electric field line associate होती है अंदर, बराबर, तो उसका measure हम कैसे करें? That measure is given by the what? Electric flux. तो उसको हम क्या करते हैं? Electric flux से define करते हैं अंदर. तो electric flux की simple definition क्या है? उससे पहले हमको ये चीज़ पता कि whenever you are taking any body, okay, then it having the three things. One is a perimeter, second one is area, and third one is the volume. Among which length, that is perimeter and volume, both are the scalar quantity, but its area is a vector quantity. As it is a vector quantity, so that may be a possibility of any direction. So how can you select the direction of area vector of the given body? If you are taking two dimensional object, let consider here that is a circle, okay, then its area vector will be considered at the perpendicular to its plane. बराबर. यानी कि आपने इस तरह से सर्कल प्लॉट किया तो इसका ये सेंटर है, सेंटर पे आप अपनी पेन खड़ी रखो अंदर, तो पेन की जो लाइन दिख रही है वो डायरेक्शन आपकी जेड होगी. ये अगर एक्स वाई कंसीडर कर रहे हैं तो जेड डायरेक्शन इज कंसीडर एज दी व्हाट? इट्स एरिया डायरेक्शन. यानी कि सिंपल सा मतलब क्या होगा, जो भी बॉडी होगी बराबर उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा अंदर. समझ में आ रहा है? अब सीधी सी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है किसके साथ? उसके एरिया वेक्टर के साथ. एट द टाइम यू आर गेटिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बट इफ द एरिया वेक्टर विल मेक द एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन द व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. बराबर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन उसमें से जो पास होगी वो क्या होगी? कम होगी. तो बस ये दो चीज का जो प्रोडक्ट है, बराबर, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का. ऐसा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि उससे मिलती क्वांटिटी जो है फ्लक्स वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर थिंग्स है. सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर विल गिव्स अस द व्हाट? फ्लक्स. ओके. तो यहाँ पे फ्लक्स का हमको डेफिनेशन क्या दिया गया कि यू हैव टू डिवाइड योर गिवन सर्फेस इन द स्मॉलर एरिया पार्ट. ओके. सो इफ अ स्मॉलर प्लेनर एलिमेंट हैविंग एरिया डेल्टा एस, तो वो स्मॉल हमने जो लिया था उसको डेल्टा एस कंसीडर, विच इज प्लेस नॉर्मल टू द ई एट अ पॉइंट. बराबर. और यहाँ पे वो एरिया वेक्टर है कुछ इस तरह से ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है भाई? नॉर्मल है अंदर. बराबर. सॉरी, जो हमारा स्लॉट है वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल हो रहा है, एरिया वेक्टर नहीं. हाँ, वो जो प्लेन है बराबर, वो जो हमारा छोटा पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो छोटा एरिया था उसका एरिया वेक्टर दोनों क्या आएंगे? सेम डायरेक्शन में आएंगे. देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग इट इज प्रोपोर्शनल टू द ई इनटू डेल्टा एस. तो जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी वो ये दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में हर बार होती है अंदर. बराबर. तो यही चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं अंदर. सिंपल सी बात है. बराबर. तो जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा अंदर, सीधी सी बात है कि ये ऐसा हो रहा है और अगर आप प्लेट को कुछ इस तरह से रख रहे हैं तो उसका एरिया वेक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहाँ पे देख सकते हो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच के 90 डिग्री है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्लेन के साथ एसोसिएट होती नहीं अंदर. बराबर. यानी कि आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होगा वो जीरो मिलेगा, पर जब वो पैरेलल होंगे दोनों, बराबर, तो आपको फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी भाई?
मैक्सिमम मिलेगी अंदर, समझ में आ रहा है। तो आपको सिंपली सी बात क्या रखना है कि आपको जब भी फ्लक्स बोले तो आपको क्या याद रखना है भाई, ई डॉट डी ए। अगर आप डिफरेंशियल ले रहे हो तो आप यहाँ पे डिफरेंशियल गेट करोगे, अगर आपको वो नहीं करना है तो भाई ई डॉट ए ले लो, बराबर। और डिफरेंशियल को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो फाइ इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, डी फाइ इक्वल टू क्या होगा आपका, ई डी ए होगा अंदर, समझ में आ रहा है यहाँ पे इतना पार्ट। अब ध्यान रखो कि यहाँ पे ई डॉट ए है, बराबर है, तो E डॉट A को रिप्लेस करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, EA cos थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल की वैल्यू क्या है वो डिसाइड करेगा कि भाई मेरा फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा अंदर, बराबर। तो हमको पता है भाई cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया वेक्टर 90 डिग्री होगा तब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो होगी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर उसके साथ एसोसिएट होती नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसके बाद दूसरी बात करें हम यहाँ पे, तो जब यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में जीरो होगा, एट दैट टाइम यू आर गेटिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बराबर। और जब एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी, सो वो टाइम पे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा और मिनिमम वैल्यू वाला मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ रहा है अंदर। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी डाई यानी कि टू, बराबर, टू पोल लेना है, पर आपको कैसे लेना है, एक पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है और दोनों के बीच में एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस फिक्स कर दो अंदर, बराबर। तो इससे बनता जो भी क्रिएशन है दैट वी आर कंसीडरिंग एज दी व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। एक्चुअल में होता क्या है कि व्हेन एवर यू आर प्लेसिंग पॉजिटिव नेगेटिव नियर टू ईच अदर देन दे आर कम इन टू दी मोशन ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स एंड फाइनल दे आर मर्ज टुगेदर। बट हमको यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरह से अरेंज करना है ताकि वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहे, बिकॉज हमने पहले ही बात किया कि दिस चैप्टर इज अ स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है अंदर, बराबर, यानी कि यहाँ पे चार्ज को अपनी जगह पे स्टेशनरी रख के काम चलाना है हमको अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करने के लिए क्या बोला, 2a जितना ले लो, क्यों, क्योंकि हमको हर बार उसके मिड पॉइंट से डील करने की बात जरूरत पड़ेगी अंदर। तो सीधी सी बात है कि मिड पॉइंट होगा और अगर हमें लेगा तो हमको a/2 डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा अंदर, बराबर। तो हमको भाई मैथमेटिकली कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े, इसीलिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट पहले से क्या ले, 2a ले लिया, तो ताकि हम दोनों जगह ए डिस्टेंस कंसीडर कर सके कि ना कर सके अंदर, बराबर। तो यही चीज़ हमको स्टार्टिंग में हमको समझाई गई अंदर कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, बराबर। तो आपको दो इक्वल लेने हैं और अपोजिट टाइप के पॉइंट चार्ज लेने हैं विच आर सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस, बराबर, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, बराबर। अब उसका एक्सप्लेनेशन देना है तो सीधी सी बात है कि एक प्लस क्यू ले लो, माइनस क्यू ले लो, दोनों के बीच में टू है जितना डिस्टेंस ले लो, तो वो क्या फॉर्म करेगा भाई, एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करेगा। अब हर कोई फिजिकल कंसेप्ट डेवलप करते हैं तो उसका कोई ना कोई फिजिकल डेफिनेशन होगा कि नहीं होगा, जो उसको कैटेगराइज करे, उसको डिफाइन करे अच्छे से अंदर। तो उसके लिए क्या डिफाइन किया गया अंदर भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया, क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी अंदर। और उसका इक्वेशन क्या बनेगा, आपको जो भी चार्ज दिए गए उसके मैग्नीट्यूड सेम है तो खाली मैग्नीट्यूड लिख दो और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको खाली मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। तो ये आपका क्या हो गया भाई, डायपोल मोमेंट हो गया, बराबर, समझ में आ रहे हैं यहाँ पे। तो इफ 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज प्लस एंड माइनस क्यू देन द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन बाई पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a, बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट खुद में अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी आप मोमेंट के डायरेक्शन के बारे में सोचें तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्शन आपको लेनी है अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम जिस तरह से समझ रहे हैं अंदर, बराबर, उसके अपोजिट जैसा कुछ हुआ यहाँ पे अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। अब उसके यूनिट की बात करें तो सीधी सी बात है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बराबर। तो सी एम आएगा, क्लियर। और डायमेंशनल फॉर्मूला हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते अंदर, समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका चार्ज है एक प्लस एक माइनस है, अगर ये दोनों चार्ज को एक सिस्टम के तौर पे मैं कंसीडर करूँ तो सिस्टम का टोटल चार्ज डायपोल का, डायपोल की सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा भाई, जीरो होगा। बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो हियर,
बिकॉज हियर टू अपोजिट चार्ज आर सिचुएटेड एट द डिफरेंट प्लेसेस, दोनों के बीच में भाई थोड़ा डिस्टेंस है, दैट्स वाई वो क्या करेंगे भाई, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, भले ना चार्ज की वैल्यू जीरो है, बाकी हमको क्या लगेगा सर ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर के की वैल्यू से क्यू की वैल्यू तो जीरो है यहाँ पे टोटल, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, नहीं यहाँ पे जीरो कब होगा, अगर दोनों एक ही जगह पे होगा तो जीरो होगा, पर यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो हम जीरो कंसिडर करेंगे नहीं अंदर, समझ में आ रहा है। अब यही बात पॉइंट डायपोल में बताएगी कि पॉइंट डायपोल कब बोलोगे, बराबर अगर आपका प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 2a था वो नियरेस्ट टू जीरो ले लो, बराबर तो दोनों चार्ज जाने एक ही जगह पे हो गए ऐसा हमको लगेगा और उसको हम पॉइंट डायपोल बोलेंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं अंदर, बराबर। और जो हमारा पॉइंट डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट हम देखने जाए तो नियरली क्या होगा, जीरो होगा अंदर, बराबर। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप भाई इलेक्ट्रिक डायपोल स्टडी कर रहे हैं, सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देन व्हिच लॉ वी हैव टू प्रीफर, ओके, सो हियर वी हैव टू यूज द सेम लॉ दैट वी आर यूज्ड बिफोर, दैट इज फर्स्ट इज सुपर पोजिशन लॉ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इम्पैक्ट, ओके, एंड देन वी हैव टू यूज द कूलम्स लॉ, बराबर, जो हमको इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन के लिए हेल्पफुल था अंदर, बराबर। तो हम यही दो यहाँ पे भी अगेन यूज करेंगे अंदर। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वी हैव टू ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डायपोल, बराबर, तो ये जो डायपोल है उसकी वजह से प्रोड्यूस होती इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है अंदर। तो यहाँ पे आपको ये जो केसेस है दो पार्ट में डिवाइड करना है अंदर। फर्स्ट क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है अंदर, ये नेगेटिव, दोनों को ज्वाइन कर दो, सो यू आर गेटिंग द एक्सिस ऑफ योर डायपोल, ओके, एंड इफ यू आर टेकिंग वन पॉइंट विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ पॉइंट देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कंसिडर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ओके, यानी कि मैं जो बोल रहा था कि तो कैटेगरी दो क्या होगी, एक पॉइंट वहाँ पे लेना है जहाँ वो एक्सिस के पॉइंट पे हो अंदर, समझ में आया, और दूसरा पॉइंट कहाँ लेना है, उसके इक्विटोरियल पे लेना है। इक्विटोरियल का मतलब क्या है कि दोनों चार्ज का मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है अंदर, समझ में आ रहा है। तो वर्टिकल लाइन के कोई भी पॉइंट पे आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी अंदर, बराबर, दैट इज कंसिडर एज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट इट्स इक्विटोरियल पॉइंट। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट में डिवाइड करके चलना है, कि एक्सिस पॉइंट के लिए और दूसरा इक्विटोरियल के लिए करना है अंदर, समझ में आ रहा है। चलो अब हम क्या करते हैं, एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव और माइनस क्यू चार्ज ले लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ले लेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल को पहले डिफाइन कर लेंगे अंदर। सो लेट द पॉइंट सॉरी पहले क्या करें, लेट देयर आर द टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर सेपरेटेड बाय द 2a डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। नाउ कंसिडर द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एज द ओरिजिन, बराबर, समझ में आ रहा है। सो ओरिजिन से प्लस का डिस्टेंस भी होगा और यहाँ का डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा, यस और नो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसीडर वन पॉइंट विच इज ऑन द एक्सिस, बराबर, तो आपको क्या करना है कि हम यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं, बराबर, जो पॉजिटिव के पास के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा अंदर, बराबर, और हमारे ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पे होगा भाई, आर जितने डिस्टेंस पे होगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो पहले आपको डायपोल को डिफाइन करना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू डिफाइन दी व्हाट पी पॉइंट, समझ में आ गया इतना पार्ट सबको। चलो अब नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट बात में हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपने ओरिजिन ले लिया, ये वाला प्लस क्यू है, ये वाला माइनस क्यू है आपका अंदर, बराबर, और यहाँ पे आपने पी पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है। अगर मुझको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो मैं कैसे करूँगा भाई, पहले प्लस के लिए फाइंड कर लूँगा, फिर माइनस के लिए, फिर दोनों का क्या कर दूंगा, वेक्टर समेशन कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा अंदर, बराबर। पर मुझे जब ये प्लस क्यू के लिए फाइंड करें तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो अब ये टोटल आर है और उसमें से ए निकाल दूँ तो मेरे को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी कि प्लस क्यू वाले केस में मैं क्या करूँगा भाई, आर में से ए बात करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो जो भी आपका रिजल्टेंट इक्वेशन बनता है दैट इज कंसिडर डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द पी पॉइंट। उसी तरह माइनस क्यू के लिखे तो क्या लिखेंगे भाई, आर प्लस ए होगा कि नहीं होगा अंदर, हाँ के ना, सिंपल सी बात है। बस आपको अब दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लगा देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल इक्वेशन क्या था भाई, कि क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर था कि नहीं था,
हो गया काम अपना अंदर, बराबर। तो अगर आप पहले माइनस क्यू के लिए लिख रहे हो अंदर, बराबर, तो माइनस क्यू के लिए आपका इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा भाई, माइनस में होगा क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है अंदर, हाँ के ना, बराबर। क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि पी से माइनस क्यू का डिस्टेंस तो भाई आर प्लस ए है ना अंदर, बराबर। और यहाँ पे खाली पी क्रेड लिख देंगे, वो बताता है कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन कहाँ है अंदर, बराबर। उसी तरह प्लस क्यू की वजह से अगर आपको फाइंड करना है तो आपका इक्वेशन में क्या आएगा, आर माइनस ए होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। अब आपको यहाँ पे ध्यान लेना है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगी, यहाँ पे प्लस साइन आएगी, बराबर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है अंदर। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पी पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डिरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, जबकि नेगेटिव की वजह से कहाँ जाएगी भाई, राइट हैंड साइड में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ पे भी वो चीज़ दिख रही है कि एक नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, हाँ के ना। तो अगर आप उस हिसाब से भी प्लस माइनस लिखना है तो लिख सकते हो अंदर, बराबर, चार्ज के हिसाब से ना लिखना हो तो अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी उसका आपका क्या होगा भाई, सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा अंदर। अभी दोनों के ऊपर न्यूमरेटर में KQ कॉमन है और P क्रेटोन निकाल देना अंदर, बराबर। तो ये हमारा काम होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्स है, दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है अंदर, बराबर। तो यूनिट वेक्टर हम कॉमन निकाल देते हैं, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचता है भाई, 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा अंदर। अभी आपको पता है कि r माइनस a का होल स्क्वायर हो तो उसको हम क्या लिखते थे भाई, r² - 2ra + a² ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो पहले क्या कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम उसका एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, r² + 2ra + a² होगा, फिर माइनस साइन आएगी ये वाली, फिर इसका एक्सपांशन लिखो तो -r² फिर -(-)+2ra और फिर से -a² होगा और होल डिवाइड बाय, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। अभी देख सकते हो दोनों का पावर क्या है भाई, सेम है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, r - a r + a और उसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा अंदर। अब यहाँ पे देखो तो r² कट हो गया, a² कट हो गया, तो बचा क्या भाई, 2ra, बराबर। और यहाँ पे देखोगे तो r - a है और r + a है, तो a - b a + b की आइडेंटिटी हुई कि ना हुई अंदर। तो फाइनली आपके पास बचता क्या है भाई, 4ra डिवाइड बाय, बराबर, r² - a² होल स्क्वायर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, हाँ के ना। आगे ऑलरेडी एक के क्यू तो था और पीछे पी के रेट था। अभी यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में फाइंड कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो तो इक्वेशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अंदर, बराबर। नाउ यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी, दैट इज 2a × q। तो देख सकते हो आपके पास 4a है, तो उसमें से मैं 2a ले सकता हूँ, तो 2 बचेगा यहाँ पे, बराबर, और क्यू भी है, तो ये सबको निकाल के मेरे पास क्या के पी आएगा, बराबर, और एक आर आएगा, और डिवाइड बाय क्या आएगा भाई, r² - a² / 2 आएगा कि नहीं आएगा, बराबर। अगर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा आर का डिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, बराबर, तो ए को मैं निगलेक्ट कर दूँ तो आर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर होगा, यानी कि आर की पावर क्या हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी, तो एक एक आर कट हो गया, तो आपको इक्वेशन क्या मिला भाई, kp / r³ मिला कि नहीं मिला, और आगे 2 तो बचा था पहला, वो 4 था, उसमें से 2 ही निकाले थे हमने अंदर, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, 2 कटप्पा मिला हमको अंदर, बराबर। तो इसको हम याद क्या रखें, कटप्पा के नाम पे याद रखेंगे बाहुबली का, बराबर। तो यहाँ पे आपको E का इक्वेशन क्या मिलता है भाई, 2 kp / r³ मिलता है अंदर, समझ में आ गया कैसे इक्वेशन डिराइव किया यहाँ पे, यस और नो। चल अब उसी तरह से थोड़ा हार्ड है पर सिंपल है, वी आर ऑब्टेनिंग द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डायपोल। अब हम कहाँ पे फाइंड करेंगे भाई, जो इक्वेटर है, बराबर, उस पे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगेन आपको वही स्टेटमेंट लिखना है, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किया, कंसीडर द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर सेपरेटेड बाय 2 है, हैविंग द डायपोल मोमेंट क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस और माइनस लिख दिया, बराबर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का भी इंडिकेशन कर दो अंदर, और अब आपको क्या करना है, नाउ वी आर कंसीडरिंग, बराबर, पी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस अदरवाइज ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, बराबर। और कितने डिस्टेंस पे लेंगे हम, यहाँ पे भी आर लेंगे, अगर आपको एक्स और वाई में से कोई लेना है तो भी छूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे अंदर, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम डेस्टेजेस लाइन से उनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे अंदर, समझ में आ रहा है। अब सीधी सी बात है, हमने ये वाई एक्स ली, ये एक्स है, तो दोनों के बीच के एंगल क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा अंदर, यस और नो।
बराबर। अब सीधी सी बात है, आपने ये लाइन ड्रॉ किया, ये आपका था डैश 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 वाला, और ये हुआ यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे आपका ओरिजिन था और यहाँ पे आपका पी पॉइंट था। अगर हम यहाँ पे आर नाम देते तो आर नहीं देता अंदर, एक्स दे देता हूँ अंदर ताकि कन्फ्यूजन ना। तो ये आपका ओ पी एक्स जो है वो क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि ना बन गया। अब ये डिस्टेंस कितना है, मेरा आर है और ये वाला तो ए था, तो ये मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर, तो मुझे वो दोनों के बीच का डिस्टेंस ही है ना अंदर, बराबर। तो ये हाइपोटेनियस हुआ, तो पाइथागोरस से हाइपोटेनियस का इक्वेशन क्या बनेगा भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। और अगर मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना पड़ा तो स्क्वायर रूट भी ना लिखूंगा, सिंपल सी बात है अंदर, समझ में आ गया। तो आपको वही की वही प्रोसीजर फिर से रिपीट करनी है अंदर, बराबर। क्या करनी है कि भाई प्लस क्यू की वजह से प्रोड्यूस होती इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, ये वाला होगा अंदर, बराबर। क्या होगा कि क्यू आएगा और डिवाइड बाय आपका क्या आएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट, बराबर। पर एक का केस में माइनस आएगा, अगर प्लस क्यू ले रहे हो तो प्लस आएगा, माइनस क्यू ले रहे हो तो माइनस आएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, यस और नो, बराबर। अब आपको मेन चीज़ क्या करना है, आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही खाली समझना है, फिर डायरेक्शन के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, यहाँ पे नेगेटिव लिया, दोनों को ज्वाइन करता हुआ यहाँ पे एक पॉइंट है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन जा रही है तो आपका एफ प्लस की वजह से आपको ये डायरेक्शन मिलेगी, जबकि एफ माइनस की वजह से डायरेक्शन नहीं मिले, और दोनों के बीच के हमारे पास कोई एंगल नहीं है, इसलिए हम पैरेललोग्राम मेथड और वाली इक्वेशन यूज़ करके यहाँ पे आंसर नहीं ला सकते इक्वेशन का अंदर, बराबर। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये जो एंगल्स की प्रॉपर्टी है उसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यानी कि हमको ये थियोरी को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा अंदर। अब मैं कंपोनेंट से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको जो प्लस क्यू वाला है वो फोर्स यहाँ पे मिल रहा है और जो माइनस क्यू वाला फोर्स है वो आपको कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो अज्यूम करो कि प्लस क्यू वाला है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा जितना एंगल बना रहा है अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, कितना बना रहा है भाई, थीटा जितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आपको उसका क्या मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, साइन मिलेगा अंदर, हाँ कहना। उसी तरह माइनस क्यू की बात करूँ तो उसका यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। अभी मेन चीज़ क्या हुई कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का केस में क्या था भाई, चार्ज की वैल्यू भी सेम थी और आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था दो पॉइंट के बीच में, पी से प्लस क्यू का और पी से माइनस क्यू का, वो भी सेम है, समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको इतना पॉइंट, हाँ के ना। बराबर। तो सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई में है, दूसरा नेगेटिव वाई में है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल कर देगा कि नहीं कर देगा अंदर, बराबर। तो जो भी आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कि ओनली एंड ओनली ड्यू टू द कौन से कंपोनेंट मिलेगी भाई, कॉस थीटा के कंपोनेंट मिलेगी अंदर। तो आप जब भी वेक्टर एडिशन कर रहे हो ई प्लस बराबर और प्लस ई माइनस क्यू, तो आप देख सकते हो कि दोनों के कॉस कॉमन सेम है, तो डायरेक्ट एडिशन होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, बराबर। पर हम यहाँ पे क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको मैं भाई ई लिख दूँ खाली भी टेम्पररी समझने के लिए, और क्या होगा यहाँ पे भाई, कॉस थीटा आई कैरेट और कॉस थीटा जे कैरेट होगा कि नहीं होगा अंदर, हाँ के ना, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, सेटअप करनी है अंदर। अब सीधी सी बात है, कॉस थीटा दो बार ऐड होगा तो टू टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर, यस और नो, बराबर है। और यहाँ पे हमको क्या लगानी पे, माइनस साइन लगानी, क्योंकि हमको यहाँ पे डायपोल मोमेंट के हिसाब से चलना है अंदर। अभी देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है भाई, पॉजिटिव के बाजू होती है, बराबर। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कौन सी डायरेक्शन मिल रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन मिल रही, तो सीधी सी बात है कि उसका अपोजिट साइन हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट कर रहे हैं, तो फिर भी उसकी डायरेक्शन का भी वैल्यू रहना चाहिए ना अंदर, समझ में आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस साइन प्लेस कर रहे हैं अंदर। तो ये टू क्यू आया, कॉस थीटा क्यू आया, सबको क्लियर हो गया कि ना हो गया अंदर, बराबर। अब आप ध्यान से फिगर को देखो, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था कि भाई ये फोर्सेस ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया, तो फिर ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा अंदर। तो ये आपका क्या था भाई, वो राइट एंगल था, थीटा था, ये ए था, ये आर था, और ये हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट था। तो अगर यहाँ पे आप कॉस थीटा डिफाइन करो तो क्या होगा, एडजेसेंट साइड यानी कि ए, और डिवाइड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट की जगह वन हाफ पावर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अंदर, हाँ के ना। तो बस आपको कॉस थीटा की जगह यही चीज़ लिखनी है और कुछ करना नहीं है अंदर,
बराबर। अगर आप ये चीज़ लिख देते हो तो आपका कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगा अंदर, बराबर। अब देख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 पावर है और ऊपर से और एक आधा है, तो 1 प्लस 1/2 तो टोटल पावर क्या होगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। और 2 क्यू और ए ये तीन मिलके क्या बनाएंगे पे, पी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे अंदर, तो हम पी लिख देंगे अंदर। तो ऑलरेडी 2 ही था, यहाँ पे कोई 4 वाला पॉइंट है नहीं, बराबर। तो हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, के पी मिलेगा और डिवाइड बाय क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू पी के रेट मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पर माइनस साइन मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है, यस और नो, बराबर। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लेके अगर ए की वैल्यू आर स्क्वायर के हिसाब से बहुत छोटी लेते हैं तो इसको हम इग्नोर करते हैं, बराबर है। तो आपका आंसर क्या होगा, आर स्क्वायर और उसका पावर 3/2, तो 2 कट हो गया, तो आपको बचा क्या, आर क्यूब बचा। तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिला भाई, माइनस के पी डिवाइड बाय आर क्यूब मिला। तो सीधी सी बात है, बाहुबली के 2 भाग थे, पहले वाले भाग में कटप्पा कैसा रोल में दिख रहा था, नेगेटिव में दिख रहा था, तो देखो एक कटप्पा नेगेटिव में है कि नहीं है, और दूसरे भाग में पॉजिटिव आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, समझ में आया। तो हम ये कटप्पा वाली थ्योरी से क्या करेंगे, इसके इक्वेशन याद रखें। अगर आपको एक्सिस का पूछ रहे हैं तो क्या लिखोगे आप, प्लस 2 kp डिवाइड बाय आर क्यूब लिखोगे, पर अगर आपको इक्विटोरियल पॉइंट का बोल रहे हैं तो आप क्या लिखोगे भाई, माइनस kp डिवाइड बाय आर क्यूब लिखोगे, बराबर। और यहाँ पे पी कैरेट आपको बताना है अंदर, समझ में आएगा। पी कैरेट क्या बताया भाई, जो मोमेंटम होगा, बराबर, इलेक्ट्रिक उसकी डिरेक्शन है, वो कौन सी डिरेक्शन होती है, टूवर्ड्स दी पॉजिटिव होती है अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पॉइंट, हाँ के ना। चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू द डायपोल। तो सीधी सी बात है भाई, पहला क्या होगा, रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड होगा। हमने देखा था पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, जबकि नेगेटिव की रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ड। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई रेडियल जैसा रिलेशन हमको देखो वो सीधा मिलता है, ऐसा टेढ़ा मेरा दिख रहा है अंदर, समझ में आया। तो इसको हम रेडियल तो बोल नहीं सकते। दूसरा, अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करते थे तो उसका इक्वेशन हम क्या लिखते थे, KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, जबकि हमने डायपोल के लिए जहाँ पे भी डिराइव किया तो कटप्पा डिवाइड बाय आर क्यूब मिले, एक बार 2 मिला और एक बार माइनस KP डिवाइड बाय, यानी कि वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है अंदर। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर लीनियर, बराबर। तो इलेक्ट्रिक जो भी तो है लीनियर होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे डायपोल की होगी क्या होगी, खाली एक्सिस पे लीनियर होगी, बाकी की जगह वो टेढ़ी होना चालू हो जाएगी अंदर, बराबर। हमने ऐसी फिगर देखी थी, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तो दोनों से प्रोड्यूस होती इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होगा अंदर, बराबर। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिटर्न पोटेंशियल का बात किया है कि इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जबकि डायपोल के केस में क्या होगा कि उसकी जो एक्सिस है, बराबर, उसके कोई भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी अंदर। एक्सिस नहीं, सॉरी, इक्वेटर, वर्टिकल पॉइंट की बात कर रहा, फिगर में बता रहा और भूल से बोल रहा हूँ एक्सिस, बराबर। सो इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटर। इनफाइनाइट जाने की जरूरत नहीं, इक्वेटर का पॉइंट ले लो, बराबर, और उसको नल पॉइंट भी बोला जाता है कभी कभी, याद रहेगा थोड़ा बहुत इतना पार्ट। चल नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें अब हम, तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि व्हाट आर द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड गिव देयर एग्जांपल। अब ये चीज आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी पढ़ के आ चुके हो अंदर, बराबर। तो पोलर और नॉन पोलर की थियोरीज क्या बोलते हैं, तो व्हेन द मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लाई एट द सेम प्लेस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक ही प्लेस पे होंगे, एट दैट टाइम द डायपोल मोमेंट ऑफ दैट एलिमेंट विल बिकम 0। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के बीच में 2a जो डिस्टेंस होना चाहिए वो नियरली 0 है, तो सीधी सी बात है आंसर 0 ही होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं भाई, नॉन पोलर बोलते हैं। उसके एग्जांपल आपको दिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है अंदर, बराबर। तो ये सारे क्या है, फिर H2 भी लिख सकते हो, O2 भी लिख सकते हो, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल है अंदर। जबकि आप क्या बात करो यहाँ पे के पोलर के बारे में बात करो, तो पोलर में क्या होगा भाई, दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो उस टाइम पे हम उसको क्या करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। और उसके जो एग्जांपल है वो कोई है भाई, H2O और HCl है अंदर। अब होता क्या है कि जब भी ये ऑब्जेक्ट्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उनका इंटरेस्टिंग बिहेवियर हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हम कब स्टडी करेंगे, जब हमारा सेकंड चैप्टर होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात करें, वहाँ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और फिर 5th चैप्टर जो आएगा उसमें हम थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे अंदर, बराबर। अभी के लिए हमको खाली इतना जानना था भाई, पोलर और नॉन पोलर किसको बोलते हैं अंदर। तो याद रखना कि पोलर जो होता है उसकी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डायपोल मोमेंट होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बाय डिफॉल्ट एक सेपरेशन डिस्टेंस वहाँ
वहाँ पे होता है अंदर, बराबर। जबकि नॉन पोलर के केस में कोई डिस्टेंस नहीं होता है तो वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि कोई डायपोल मोमेंट होती नहीं अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अंदर कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल को जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उसके बारे में आपको बात करनी है अंदर। तो समझ लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है। अगर आप इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बनाती है अंदर, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे प्लस क्यू होगा, यहाँ पे माइनस क्यू होगा, तो प्लस क्यू को कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अंदर, समझ में आया, जबकि माइनस क्यू को कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों चार्ज पे एग्जर्ट होता फोर्स का वैल्यू सेम होगा, यस और नो? क्यों? क्योंकि फोर्स का इक्वेशन क्या था भाई, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बराबर। तो ये दोनों है इस तरह से, तो क्यू की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे में ऐड होकर हमको रिजल्टेंट आंसर क्या देंगे, जीरो देंगे। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दो, कौन से यूनिफॉर्म वाले, एट ए टाइम द नेट रिजल्टेंट फोर्स बराबर एक्टिंग ऑन द डायपोल विल ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा, दोनों म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। बट यहाँ पे जब दो फोर्स को ध्यान से देखते तो पता चलता है कि दे आर नॉट कोलिनियर, यानी कि दोनों फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है भाई, डिफरेंट है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ऐसा जब भी होता है कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस और उसके बीच में कोई डिस्टेंस होता है, या तो फिर वो नॉन कोलिनियर होते हैं, एट ए टाइम दे आर क्रिएटिंग अ टॉर्क ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट। तो वो टाइम पे क्या करते हैं भाई, टॉर्क लगाते हैं अंदर, बराबर। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, टाव इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखते थे कि नहीं लिखते थे, और आर क्रॉस एफ को हम क्या लिखते थे, आर एफ साइन थीटा। अभी आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2a लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम क्या लेते थे भाई, 2a लेते हैं, बराबर। और f है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, qe लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो फाइनली आपको टाउ का इक्वेशन क्या मिलेगा, 2a qe साइन थीटा मिलेगा कि नहीं, जहाँ पे थीटा क्या बताता है कि डायपोल की एक्सिस या तो फिर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बताता है अंदर, समझ में आ रहा है। अभी सीधी सी बात, ये लोग भेगा मिलके क्या बनाएंगे, पी बनाएंगे, तो पी क्रॉस ई आपको क्या मिला, इक्वेशन मिला कि ना मिला अंदर, बराबर। तो जब भी आप डायपोल होती है उसको इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस पर एक्सर्ट होता टॉर्क का इक्वेशन क्या है, पी। सर बहुत लगी है, पी जाने दो ना, बराबर। तो ऐसा एक इक्वेशन बना के नहीं बना, पी क्रॉस ई, बराबर। और हमारे पास एंगल अवेलेबल, तो पी साइन थीटा करके भी फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं अंदर, समझ में आया। और आपको पता है कि साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, उसके हिसाब से डायपोल आपकी जो है बराबर वो कब मैक्सिमम स्टेबल होगी, मिनिमम स्टेबल होगी, यानी फिर मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, और तीसरा कौन सा केस आता है, अनस्टेबल जीरो वाला अंदर, बराबर। तो साइन की वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से आपको कंडीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर। अगर आपका साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1 मिल रहा है, यानी कि थीटा कब होगा, 0 होगा तब होगा अंदर, हाँ के ना, सॉरी 90 होगा तब होगा अंदर, बराबर। तो उस टाइम पे आपको साइन की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, मैक्सिमम मिलेगी, बराबर। उसी तरह आप 0 डिग्री ले रहे हो तो 0 मिलेगा अंदर। तो डिफरेंट डिग्री के हिसाब से आप चेक कर लो कि आपको टॉर्क कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है और कहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, कहाँ पे 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है भाई, स्टेबल है यहाँ पे, बराबर। और फिर प्लस मिल रहा है तो हाईली अनस्टेबल होगा, और वहाँ पे क्या होगा, लेस अनस्टेबल होगा अंदर, समझ में आ रहा है यहाँ पे सबको पार्ट, बराबर। और यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई कि एक्सप्लेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है, टॉर्क लगेगा तो वो क्या होगी, डायपोल जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलाइन होने का ट्राई करेगी अंदर। तो उसमें दो केस पॉसिबल होते हैं, या तो फिर वो पैरेलल होगी या तो फिर एंटी पैरेलल होगी। पर जब वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होते तो होता क्या है कि दोनों चार्ज पे एग्जर्टेड फोर्स है वो अगेन सेम के सेम ही होते हैं, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। पर जब वो अलाइन होती है, यानी कि पैरेलल या एंटी पैरेलल होती है, एट द टाइम यहाँ पे क्या होता है कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन बन जाती है अंदर,
समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो रहा है और टॉर्क की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती है भाई, जीरो होती है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में आप कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, यानी कि आर की वैल्यू जीरो हो गई तो आगे सोचने की जरूरत है तो टॉर्क के बारे में अंदर, बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम भी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक यानी कि लीनियर मोशन के इक्विलिब्रियम बोलते हैं अंदर, बराबर। जबकि आगे वाले केस में क्या था, अगर दोनों के बीच में एंगल होता बराबर तो वो लीनियर इक्विलिब्रियम में तो थी पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में थी, इसलिए उसका रोटेशन हुआ टॉर्क की वजह से अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पॉइंट, बराबर। और इसके बाद आपको दिया गया है कि कब हम कॉम को ड्राई हेयर से रब कर तो क्यों वो अट्रैक्ट करता है बराबर छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर को, तो वो हम जानते हैं, तो वो आप रीड कर लेना अंदर। समझ में आ रहा है, तो इसके बाद का जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट टाइम के वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।